उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं 9 से 12 के लिए जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 का सिलेबस है उसे संक्षिप्त किया गया है। लगभग 25% की कटौती की गई है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कक्षा 9 से 12 तक के अंग्रेजी विषय में कौन कौन से पाठ को पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है, इसकी मैं जानकारी आज आप लोगों को देने वाला हूं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त पाठ्यक्रम देखेंगे क्लास 9 का, कि इसमें इंग्लिश में कौन कौन सा पाठ पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन सा छोड़ दिया गया है, कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी विषय में जो हमें पढ़ना है वो पहली जो किताब है उसका नाम है बिहाइव। इसमें द फन दे हैड इसे पढ़ना है, द रोड नॉट टेकन इसे भी पढ़ना है, द साउंड ऑफ म्यूजिक इसका पार्ट वन, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान ये पढ़ना है, विंड जो कि एक पोएम है इसे पढ़ना है, द लिटिल गर्ल इसे पढ़ना है, रेन ऑन द रूफ, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, नो मैन आर फॉरेन, रीच फॉर द टॉप, ऑन किलिंग अ ट्री, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, माय चाइल्डहुड ये पढ़ना है, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री इसे नहीं पढ़ना है, द स्नेक एंड द मिरर इसे हटा दिया गया है, पैकिंग को हटा दिया गया है, द डक एंड द कंगारू इस पोएम को भी हटा दिया गया है, द बॉन्ड ऑफ लव को हटा दिया गया है, द स्नेक ट्राइंग इसे भी हटा दिया गया है, काठमांडू और इफ आई वेर यू इसे भी हटा दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे इसमें भी यह साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें यस लिखा गया है उसे पढ़ना है, जिसमें नो लिखा गया है उसे नहीं पढ़ना है। मोमेंट्स जो बुक है जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द लास्ट लीफ यहां तक हमें पढ़ना है, द हैप्पी प्रिंस को नहीं पढ़ना है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा इसे पढ़ना है, अ हाउस इज नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, द बेगर इन्हें हटा दिया गया है। तो यहां भी आप देख रहे हैं जिनमें भी यस यस लिखा हुआ है उसे पढ़ना है, जिसमें नो लिखा गया है उसमें नहीं पढ़ना है। अब कुछ अनसीन पैसेज की बात हो जाए तो फैक्चुअल पैसेज जो आते हैं उन्हें पढ़ना है, डिस्कर्सिव पैसेज भी पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ राइटिंग ये तीनों पढ़ना है, ग्रामर सेक्शन में टाइम एंड टेंस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्लाउज, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये सभी पढ़ना है। तो ये आपका ग्रामर का सेक्शन है, यानी आपको इन सारी चीजों को ही पढ़ना है और जिसमें नो लिखा गया है उन्हें नहीं पढ़ना है। सो दिस इज द सिलेबस फॉर क्लास 9th फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश। आइए अब हम लोग बात करते हैं संक्षिप्त पाठ्यक्रम एकेडमिक ईयर 2021-22 कक्षा 10 के लिए, कि अंग्रेजी विषय में हमें कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं और कौन नहीं पढ़ने हैं। विषय अंग्रेजी में जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है द फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें से हमें पढ़ना है अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ टाइगर इन द जू, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये जितने भी चैप्टर हैं 1-9 इन्हें पढ़ना है। तीन चैप्टर्स को हटा दिया गया है जिसमें अमेंडा, द 100 Dresses Part 1, द 100 Dresses Part 2 ये तीनों हटाया गया है। इसके साथ साथ एनिमल्स को पढ़ना है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, द ट्रीज ये तीनों पढ़ना है, मिसबिल द ऑटर को हटा दिया गया है, फॉग को भी हटा दिया गया है, मैडम राइड्स द बस इसे पढ़ना है,
द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द सर्मन एट बनारस, फॉर एनी ग्रेगरी और द प्रपोजल, इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। मोमेंट्स जो कि आपका सेकेंड बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें से जिन चैप्टर्स को पढ़ना है उनका नाम है अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यहां तक आपको पढ़ना है। द नेकलेस को हटा दिया गया है, द हैक ड्राइवर को भी हटा दिया गया है। बीच में नाइन्थ चैप्टर आपको पढ़ना है जिसका नाम भोली है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसे नहीं पढ़ना है। अनसीन पैसेजेस में हमें दोनों पैसेजेस पढ़ने हैं, फैक्चुअल पैसेज एंड डिस्कर्सिव पैसेज। राइटिंग सेक्शन में हमें इनफॉर्मल लेटर नहीं पढ़ना, यानी कि जो हम लोग रिश्तेदारों को लिखते हैं वो पत्र नहीं पढ़ना है, और फॉर्मल लेटर्स हमें पढ़ना होगा, पैराग्राफ राइटिंग हमें करनी होगी। ग्रामर सेक्शन में जो हमें पढ़ना है वो इस प्रकार हैं, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, मॉडल्स, नॉन फाइनाइट्स, क्लॉज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डिग्री, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, चेंज द सेंटेंसेस, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, इन सबों को हमें पढ़ना होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं जो रिड्यूस सिलेबस है एकेडमिक ईयर 2021-22 का, क्लास 11 इंग्लिश का, उसे हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश में हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग एंड समरी, राइटिंग शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन, पर्सनल रिस्पॉन्स, नोटिस, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, लेटर टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, रिपोर्ट, आर्टिकल एंड स्पीच, ये सभी पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उसमें से पर्सनल रिस्पॉन्स, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, इसे हटा दिया गया है। बिजनेस लेटर्स को हटा दिया गया है, आर्टिकल और स्पीच को भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से जिनको हटा दिया गया है वो इधर लिखा हुआ है, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, तो ये जो हैं जिनमें से इन्हें नहीं पढ़ना है वो इस तरफ लिखे हुए हैं। ग्रामर में डिटरमाइनर्स, टेंसेस, क्लाउजेस, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव कंस्ट्रक्शन, रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, ये चारों पोर्शंस पढ़ने हैं। प्रोज सेक्शन में जो फर्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक जिसका नाम हॉर्नबिल है, जिसमें से जो हमें पढ़ना है उसमें से है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। थर्ड चैप्टर को हटा दिया गया है जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट, द सैगा कंटिन्यूज, लेकिन फोर्थ चैप्टर फिर पढ़ना है, लैंडस्केप ऑफ द सोल। इसके अलावा द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इसे पढ़ना है, यानी फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है। सिक्स्थ चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन, इसे पढ़ना है। सेवन्थ चैप्टर को हटा दिया गया है जिसका नाम द एडवेंचर है। एट नंबर चैप्टर फिर पढ़ना है जिसका नाम सिल्क रोड है। पोइट्री सेक्शन में हमें पढ़ना है अ फोटोग्राफ, द लेबरेंट टॉप को हटा दिया गया है, द वॉइस ऑफ द रेन हमें पढ़ना है, चाइल्डहुड, फादर टू द सन, ये दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। यानी पोएम्स में सिर्फ द लेबरेंट टॉप को हटा दिया गया है। टेक्स्ट बुक जो हमारा दूसरा है सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है स्नैपशॉट्स, इसमें से जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं उसमें से सिर्फ तीन चैप्टर हटाए गए हैं, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 8, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हैं उन्हें हमें पढ़ना है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये पढ़ना है। द एड्रेस पढ़ना है, रंगाज मैरिज, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, और सेवन नंबर चैप्टर बर्थ, इसके अलावा बाकी चैप्टर्स को हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं क्लास 12 का कि संक्षिप्त पाठ्यक्रम में एकेडमिक ईयर 2021-22 जो इस साल की बात हम कर रहे हैं इसमें इंग्लिश कोर में हमें क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है,
नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग ये भी करना है। लेटर राइटिंग में लेटर टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग ये पोर्शन करना है, राइट। टेक्स्ट बुक जो कि पहला बुक है हम लोगों का फ्लेमिंगो, इसमें प्रोज जो हमें पढ़ने हैं जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन्हें पढ़ना है, एंड एट्थ नंबर चैप्टर पढ़ना है जिसमें से दो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, पोएट्स इन पैनकेक्स एंड सेवन्थ चैप्टर द इंटरव्यू पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं उसमें से नाम है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, ठीक है, और लास्ट चैप्टर पढ़ना है गोइंग प्लेसेस। पोइट्री में सिर्फ एक पोएम को हटाया गया है जिसमें से उसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो चैप्टर नंबर 6 है, बाकी जो 5 चैप्टर्स हैं वे हमें पढ़ने होंगे। माय मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, ये हमें पांचों पढ़ने हैं, 6 नंबर को हटा दिया गया है। टेक्स्ट बुक जो सेकेंड है यानी सप्लीमेंट्री बुक विस्टास, उसमें से फर्स्ट चैप्टर को हटा दिया गया है जिसका नाम है द थर्ड लेवल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, इन तीनों को पढ़ना है। इसके अलावे चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, ये दोनों पढ़ना है। सेवन चैप्टर को फिर से हटा दिया गया है, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, इसे नहीं पढ़ना है। एट नंबर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जिसमें से फर्स्ट को हटा दिया गया जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, लेकिन दूसरा हमें पढ़ना है जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वट इज द रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर क्लास 9th, 10th, 11th and 12th। सो डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि आप समझ गए होंगे कि जो इस साल 21-22 का जो एकेडमिक सेशन है उसमें अंग्रेजी का क्या पाठ्यक्रम होगा, 25% में किन किन चैप्टर्स को हटाया गया है आप समझ गए होंगे, और किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है भली भांति आप समझ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।